जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नितेश जी के स्टडी आईक्यू पर। आज का टॉपिक हमारा प्राचीन इतिहास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी एग्जाम, रेलवे, एमटीएस, मतलब आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो अब बिना बकवास हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ऑप्शन ए कलिंग युद्ध के, बी बक्सर की लड़ाई, सी हल्दीघाटी की लड़ाई, डी तराइन की लड़ाई। इसका आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलिंग की युद्ध के बाद, मतलब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, बी उपगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उपगुप्त, मतलब अशोक ने बौद्ध साधु उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी बृहद्रथ, सी अशोक, डी बिंदुसार। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अशोक, मतलब निम्नलिखित में से अशोक पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंगम, बी जेम्स प्रिंसेस, सी जेम्स टेलर, डी बी गार्डन चाइल्ड। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेस, मतलब जेम्स प्रिंसेस अशोक के शिलालेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव, डी धर्मकीर्ति। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रियदर्शी, मतलब अपने शिलालेखों में अशोक समानता प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा, मतलब इन 40 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों के जवाब पता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बाद अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन ए मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी लिपि। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी, मतलब अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, मतलब अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ऑप्शन ए कालसी, बी गिरनार, सी सहवाजगढ़ी, डी मेरठ। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सहवाजगढ़ी, मतलब निम्नलिखित में से अशोक कालीन अभिलेख सहवाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश को उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि प्रजा उसके अनुसार आचरण कर सके? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 10, डी 19। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14, मतलब सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेशों को उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि प्रजा उसके अनुसार आचरण कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवराम प्रिय के रूप में किया गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। इसका भी आंसर कमेंट करें।
तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अशोक। मतलब अभिलेखों में सम्राट अशोक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कालसी, बी रूमिन देई, सी विशिष्ट कलिंग राजा देव, डी मास्की। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मास्की। मतलब निम्नलिखित में से एक अभिलेख मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ऑप्शन ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रूमिन देई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाबरू स्तंभ। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी भाबरू स्तंभ। मतलब केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो भाबरू स्तंभ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्य अशोक राजा अशोक उल्लिखित है? ऑप्शन ए सांची, बी कंगन हल्ली, सी सहवाजगढ़ी, डी सोहगौरा। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कंगन हल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिला अभिलेख प्रथम। मतलब अशोक के शिला अभिलेख प्रथम में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूप में धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन ए शिलालेख 10, बी शिलालेख 12, सी स्तंभ लेख 11, डी स्तंभ लेख 12। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिलालेख 12। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? ऑप्शन ए 5 केंद्र, बी 6 केंद्र, सी 4 केंद्र, डी 3 केंद्र। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5 केंद्र। मतलब अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में 5 राजनीतिक केंद्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए स्वनियंत्रण, बी दान, सी दया, डी संयम। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्वनियंत्रण। मतलब अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत स्वनियंत्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी इनमें से एक से अधिक। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ऑप्शन ए जीवन वृत्त, बी आंतरिक नीति, सी विदेश नीति, डी उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मतलब निम्नलिखित में से जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति तीनों की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भेरी घोष का प्रचार प्रसार करना, बी जन धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करना, सी सांप्रदायिक आस्था का प्रचार प्रसार करना, डी धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना। मतलब अशोक स्तंभों का मूल उद्देश्य धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए तोसली, बी उज्जैनी, सी तक्षशिला, डी इंद्रप्रस्थ। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इंद्रप्रस्थ। मतलब अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से इंद्रप्रस्थ मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा अशोक की बेटी का क्या नाम था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? ऑप्शन ए पद्मावती, बी असंधि मित्र, सी चारुमति, डी संघमित्रा। इसका भी आंसर कमेंट करें।
तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, संघमित्रा। मतलब राजा अशोक की बेटी का नाम संघमित्रा था, जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए किस स्थान पर एक मिशन भेजा? ऑप्शन ए कलिंग, बी लंका, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लंका। मतलब अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए लंका स्थान पर एक मिशन भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनानी और अरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख किस स्थान पर मिलता है? ऑप्शन ए मनसहरा में, बी पुष्कलावती में, सी सहवाजगढ़ी में, डी कांधार में। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कांधार में है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? ऑप्शन ए नैनीताल में, बी पौड़ी में, सी टिहरी में, डी कालसी में। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालसी में। मतलब उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कालसी में मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया? ऑप्शन ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, सी खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। मतलब निम्नलिखित अभिलेखों में से महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन ए चोल, बी पांडे, सी क्षत्रिय पुत्र, डी सातवाहन। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन। मतलब निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय राज्य सातवाहन का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित में से किस अभिलेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है? ऑप्शन ए लुम्बिनी का स्तंभ लेख, बी सारनाथ का शिलालेख, सी गिरनार का शिलालेख, डी सांची का स्तंभ लेख। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी का स्तंभ लेख। मतलब अशोक के लुम्बिनी का स्तंभ लेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियासत का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बौद्ध चैत्यों हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी गुप्तकालीन मंदिर हेतु, डी अशोक के शिलालेख के कारण। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अशोक के शिलालेख के कारण। मतलब कालसी अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? ऑप्शन ए सांची, बी अमरावती, सी कंगनहल्ली, डी अजंता। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कंगनहल्ली। मतलब सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कंगनहल्ली पर पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ऑप्शन ए सहो गौरव ताम्रपत्र, बी अशोक रोमन देई स्तंभ लेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी चंद्रका मेहरौली स्तंभ शिलालेख। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सहो गौरव ताम्रपत्र। मतलब निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से सहो गौरव ताम्रपत्र एक खजानों को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, कलिंग किस तटीय स्थान का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए मद्रास, बी उड़ीसा, सी बॉम्बे, डी बंगाल। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। मतलब अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, कलिंग उड़ीसा तटीय स्थान का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बी 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, सी यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, डी ये सभी ईसा पूर्व
छठी शताब्दी के हैं। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी ईसा पूर्व छठी शताब्दी के हैं। मतलब निम्नलिखित कथनों में से ऑप्शन डी, ये सभी ईसा पूर्व छठी शताब्दी के हैं, ये सही नहीं है, जबकि ए बी सी ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए तृतीय मुख शिलालेख, बी द्वितीय मुख शिलालेख, सी नौवा मुख शिलालेख, डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय मुख शिलालेख में। मतलब अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से द्वितीय मुख शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास में अथविका राज के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए दक्षिण भारतीय साम्राज्य, बी गणतंत्रवादी राज्य, सी वन साम्राज्य, डी मुगल साम्राज्य। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वन साम्राज्य। मतलब भारतीय इतिहास में अत्विका राज के नाम से वन साम्राज्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक के लघु शिलालेख भारत विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी, बी रूपनाथ, सी गावी मठो, डी मास्की। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रूपनाथ। मतलब अशोक के लघु शिलालेख भारत विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से रूपनाथ कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण छोर पर स्थित था? ऑप्शन ए गिरनार, बी टोपरा, सी ब्रह्मगिरी, डी रूपनाथ। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी। मतलब मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, निम्नलिखित में से ब्रह्मगिरी शहर सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, बी कांधार, सी सांची, डी कालसी। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सांची। मतलब निम्नलिखित में से सांची स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए देव बर्मन, बी बृहद्रथ, सी सातवाहन, डी संप्रति। इसका भी आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। मतलब मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, उसने राजा की हत्या कर किस नए राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए शुंगवंश, बी कण्ववंश, सी सातवाहन वंश, डी चेदीवंश। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही जान पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रहा, मतलब इन 40 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों के जवाब पता थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।